तो ये ब्लॉग शुरू कर रहे हैं जो बस अड्डा है मैन फरकाबाद का, वहाँ से, और आपको ले चलेंगे मार्केट, बीच में शॉर्टकट भी लेंगे। तो अभी आप यहाँ पर साइड में देखेंगे, ये है हमारा बस अड्डा, बस स्टेशन, जो पहले यहाँ पर सारी बिल्डिंग थी जो अब सब हट चुकी हैं। आप देख सकते हैं पूरा सामने खाली दिख रहा है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला भी था कि लाल गेट का बस अड्डा दिखाओ क्या हो गया, तो ये देखो ये हो गया है। हाँ, काफ़ी ये सारी बिल्डिंग थी यहाँ पर भी थी, ये सब हट गई हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस अब मिल गया है। अब जाम वाम की बहुत कम हो गया, पहले दोपहर में भी जाम लगता है, जब बसें निकलती थी। तो ये हमारा है मेन चौराहा, मेन तो नहीं है, इसके आगे मेन है जहाँ पे फुव्वारा लगा हुआ है। चलो वो भी देख लेते हैं और शॉर्टकट से चलेंगे। आज मार्केट को पूरा क्रॉस करना है, सेट वाली गली का भी यूज नहीं करेंगे, उससे पहले बुरा वाली गली से निकल लेंगे, अपने लोग सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा काम है ना। तो यहाँ पर ये यहाँ पर भी कुछ पाइप की खुदाई चल रही है, मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि जाने कौन सा नाले में यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे आपको पता है ये कितनी ज़्यादा पुलिस रहती है। तो आज मैं थोड़ा बाद में इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं फ्रंट में, यार पुलिस देखो किस तरह से गश्त कर रही है, क्योंकि 7 बजने में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 10 मिनट बचे हुए हैं, 10 भी नहीं, अब तो 8 ही मिनट बचे हुए हैं, और हमें लास्ट तक जाना है पूरा मार्केट। इसी वजह से मैंने बोला कि आज शॉर्टकट यूज करेंगे, नहीं तो मैं आपको पूरा मार्केट दिखा था। तो मैंने कहा थोड़ा मार्केट ले चलते हैं। बाकी देखो अभी दुकानें आपको खुली हुई दिख रही हैं, है ना, और 10 मिनट बाद जब हम उस साइड से लौट के आ रहे होंगे ना, तो एक भी दुकान आपको खुली नहीं मिलेगी। अभी सब जा रहे होंगे, रास्ते में बंद होने लगेंगी, क्योंकि पुलिस जो है वो अनाउंस करने लगी है कि दुकानें बंद करो। और देख सकते हैं अभी आपको थोड़ी देर बाद रिएक्शन दिखेगा। तो ये था इसमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि फरुखाबाद का जितना ज़्यादा एरिया कवर हो सके हमारे कैमरे के थ्रू, वो सारा आपको इंटरनेट पर प्रोवाइड करा दूँ। क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर कमेंट आया पेट्रोल बहुत महंगा है, हमने कहा तभी तो बचा रहे हैं, बहुत दिन से लॉकडाउन में घर पे हो, बाहर का देखा नहीं है, तो भाई मोबाइल में देख लो सारा फरुखाबाद कहाँ पे क्या चल रहा है ना। और जो ज़रूरत होती है तभी निकलते हैं, बेवजह तो नहीं घूमते कि हाँ इतना पेट्रोल तो यहाँ फूक पाएंगे। ये देखो इसे पीछे से कोई ठोक के चला गया, आप देख सकते हैं ये कौन सी गाड़ी है, कौन सी है भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी से। ओके, तो यहीं से शॉर्टकट ले लें, इसी वाले रास्ते चलते हैं अंदर, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे पढ़ाते थे, ब्रजेश पढ़ाते थे, तो पहले कोचिंग पढ़ने आते थे तो ये वाला शॉर्टकट यूज करते, तब से हमें ये याद है पूरा शॉर्टकट, अब उसी का यूज करेंगे, आज पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। समस्या क्या, अगर यहाँ पर कोई गाड़ी फंसती है तो और भी लेट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर देखो पानी भरा हुआ है, ये देखिए आप, तो यहाँ से बहुत ही पतली गली है, अगर आप कोई गाड़ी वाली सोचें तो नहीं जा पाएगी, सिर्फ बाइक ही जा सकती है, ठीक है, बाइक जाए, पैदल जाए, साइकिल जाए, गाड़ी इधर से नहीं निकल पाएगी। लेकिन ये आपको बूढ़ा वाली गली के अंदर निकाल देता है, अगर इस साइड में कोई जाम लगा हुआ है मेन रोड पर, तो अंदर से कट के आप यहाँ से निकल सकते हैं। और पिछले वीडियो में कैमरा थोड़ा सही से सेट नहीं हुआ था, तो काफ़ी जगह पर क्या हो रहा था, जो रोड थी वो ज़्यादा दिख रही थी। तो इस बार हमने क्या किया, एक अपने दोस्त को साथ में ले लिया और कैमरे को हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। मैंने पिछली बार माउंट किए थे हेलमेट में, तो ये वाला, ये वाली जो आपने देखा, यही वाला, ये सेम यही वाला घर था, यहाँ बिजनेस पढ़ाते थे, और उन्होंने अपनी खुद की बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनवा ली है, अब तो वो नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से चलते हैं, ये वाला रास्ता लेंगे सीधे, और ज़्यादा मतलब ये शॉर्टकट सिर्फ जाम अगर लगा हुआ है उस टाइम पे फायदेमंद है, अगर जाम नहीं है तो ये लॉन्ग और पड़ जाता है। सिर्फ इसको जाम को क्रॉस करने के लिए आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो कुछ लोगों को पता होगा कि हम ये कहाँ पर घूम रहे हैं, है ना। तो चलते हैं, और हमें जो लेना है ना वो उम्मीद करते हैं मिल जाएंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो यहाँ से ले लेंगे। ये तो अब हम पहुँच चुके हैं, ये वाला कट है बूढ़ा वाली गली। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो फेन टोस्ट और ये बिस्किट विस्किट होते हैं ना, ये चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, सबसे ज़्यादा थोक का काम यहीं पे होता है। और यहाँ से अगर हम सीधे चलेंगे तो यही GIC के लिए इधर से रास्ता गई हुई है, जो GIC हमारा गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज है ना, उसकी यही रोड गई हुई है। ये किस साइड से, बाकी पीछे से आप निकल सकते हो, है ना। तो ये वाली रास्ता अब वहाँ पर गई हुई है, और यहाँ से हम अगर चाहें तो स्ट्रेट वाली गली के लिए वही रास्ता है, यहाँ से है तो आगे से मेन रास्ता, लेकिन अगर हम इधर से निकलना चाहें तो यहाँ से अभी आपको दिखाएंगे कि आगे टर्न क्या है। ये वाला रास्ता हमारी, हमें लेना होगा राइट, राइट साइड लेंगे। ओके, तो मैं आपको और चीज़ें बता दूँ यहाँ पर क्या क्या होता है। यहाँ पर
एक काम और होता है, जैसे अगर आपका कोई समर लगा हुआ उसका स्टेटर ख़राब हो, तो बाहर यहाँ पे एक शॉप है वो काफ़ी सही है, चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तो वीडियो देख रहे हो, टाइम ख़राब कर रहे हो, तो कुछ तो पता होना चाहिए यहाँ कहाँ पे क्या होता है। तो इस साइड में जो अगर रोड में जाएंगे, ये सामने दिख रही है इस साइड की, इसमें आपको गैस से संबंधित कोई भी चीज़ें, जैसे आपकी गैस है उसमें कोई कमी, तो वो सब यहाँ पे बहुत जानी शॉप है गैस की। ये यहाँ पर दुकान बंद हो चुकी है, आपको पता है यहीं पे स्टार्टर सही होता है। अब सामने ये सामने मंदिर दिख रहा है जो बीच रोड पे पड़ता है, और एक और आगे पड़ता है बीच रोड पे, है ना, वो तो बिल्कुल बीच बीच में पड़ता है। तो ये दो मंदिर हैं जो बीच रोड पे पड़ते हैं। यहाँ पे न्यूटेक क्लासेस थी पहले, अब वो इसी साइड में अंदर गली में हो गई है, ठीक है। और अब हम बहुत ही जल्द अपना टारगेट पे पहुंच जाएंगे, इसके अंदर न्यूटेक चला गया है जिसे जाना हो। ओवरऑल जो, हाँ, किसी को मतलब ये है कि कुछ चाहिए हो, मतलब डिमांड हो कि नहीं हमें ये वाली जगह दिखाओ फुलकाल में, या इस तरह का वीडियो चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम लोग अगला ब्लॉग वहीं पे करेंगे, जो फुलकाबाद में हमारा गैस प्लांट लगा हुआ है ना फतेहगढ़ में, उसका उसको कवर करेंगे कि हाँ कहाँ पे लगा हुआ है, किस तरह से है, क्या है वो आप लोगों को। ये सामने टेम्पो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है लटक मत पटक दूंगा, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं ये वाली गली, यहाँ पे क्या, यहाँ पे लेडीज चीज़ें यहाँ तो मिलती हैं, है ना, ये सब वही मार्केट है। हालांकि 7 बज गए हैं, तो आप देख रहे हैं सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब मुझे मेरे मेरा लक अच्छा है, तो मेरा मानना है कि हमारी जो शॉप है वो तो खुली होनी चाहिए, है ना। तो चलते हैं देखते हैं हमारी शॉप खुली है या बंद, जो हमें चाहिए है। तो चलिए चलते हैं, ये पास नहीं दे रहा है भाई ऑटो वाला, दे दो भाई पास दे दो। स्पेस ही नहीं है, वो भी बेचारा क्या करें। यहाँ पे ये ई रिक्शा बहुत ज़्यादा चल रही है, ये सामने देखो, हम इसी पे जाना था, दुकान आधा शटर लग बंद हो चुका है, और हमें लेना क्या है, रेजर लेना है, ट्रिमर लेना है, मतलब। तो यहाँ पे आधा शटर लग चुका है, बहुत जल्द जाते हैं, बाय बाय, मिलते हैं, बाय।